दोस्तों हमने मंगा लिया बेस्ट ईयरबड्स अंडर 1500 रुपीस, ग्रेट इंडियन सेल स्टार्ट हो चुका है और आपको हाँ आप ही को बजट ईयरबड्स लेने होंगे, तो हमने भाई आपके लिए ढूंढे। तगड़े रिसर्च करने के बाद मुझे दो बड्स बहुत ज्यादा पसंद आए। इन दोनों के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि 50 घंटे की बैटरी लाइफ है, आईपी की रेटिंग मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी मस्त है, ड्राइवर बड़ा वाला है जिसमें बूम बम आवाज आती है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं और जानते हैं बेस्ट ईयरबड्स इस वाले सेल में कौन सा रहने वाला है। पहला है हमारे पास बोट एयरडूप्स 170। बोट का ये बहुत पॉपुलर ईयरबड्स है, अमेजोन पे 53,000 रेटिंग्स है। और दूसरा ईयरबड्स है नॉइस बड्स कनेक्ट, काफी तगड़ा ईयरबड्स है और अमेजोन पे रेटिंग थोड़ी सी कम है इसकी, 2000 के राउंड है, लेकिन फीचर रिच है। तो हमने बोला चलो उठा लेते हैं। बोट एयरडूप्स मेड इन इंडिया भाई, बाय एन इंडियन ब्रांड। और इसको अगर अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आप बड्स रखा मिलेगा, बहुत ही स्मॉल और कॉम्पैक्ट साइज का है, एक मुट्ठी में आराम से आ जाएगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा मस्त है। एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर टाइप सी केबल, यहाँ पे मस्त फिट हो जाएगा और आपके पास एक्स्ट्रा टिप्स भी है। नॉइस की बात करते हैं, ये बोल रहे हैं डिजाइन इन इंडिया, मतलब ये मेड इन इंडिया नहीं है। बॉक्स के अंदर एयरबड्स रखा मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एयरबड्स की क्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पे, और ये भी कॉम्पैक्ट साइज का छोटा सा एयरबड्स है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिल रहे हैं और एक टाइप सी केबल जो की मस्त फिट जाती है। दोनों के बॉक्स में स्टिकर्स भी मिलते हैं भाई, बोट वाले स्टिकर्स ज्यादा कूल लगते हैं देखने में, नॉइस बस ब्रांडिंग करवा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन की बात से। साइड बाय साइड आप दोनों बड्स को देख सकते हो, दोनों की बिल्ड आपको प्लास्टिक यहाँ पे मिल रही है, बोट में आपको मैट फिनिश मिलता है, साइड में आपको कर्व सा डिजाइन मिल जाता है और इसको होल्ड करने में मस्त सा प्रीमियम सा लगता है। नॉइस में मैट फिनिश मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे तो इसके ऊपर स्मजे ज्यादा आते हैं और बोट के सामने उतना ज्यादा ये मॉडर्न डिजाइन तो फील नहीं हो रहा है। दोनों बर्ड्स को ओपन कर लेते हैं और अगर केस से निकालते हैं, बोट को निकालने कलर्स मिल रहे हैं। बोट में आपको एक ब्लैक कलर है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है। नॉइस बड्स में एक ब्लैक है, एक व्हाइट है और एक मिंट कलर है। अपनी चॉइस बताऊं तो भाई ब्लैक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कलर रहता है एयरबड्स के लिए, और अगर व्हाइट लोगे तो गंदा होता है बट ज्यादा प्रीमियम लगता है वो। दोनों बड्स की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बोट के साथ मिलता है आपको ब्लूटूथ 5.3, नॉइस के साथ मिलेगा ब्लूटूथ 5.2, मतलब की बोट का ब्लूटूथ कनेक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार चेक करते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में, ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं यहाँ पे और सिंग स्टार्ट हो चुका है। अब देखो भाई दोनों बड्स को मैं सेम टाइम पे ओपन करता हूँ, केस से बाहर भी निकाल देते हैं। यहाँ पे बोर्ड तो शो हो रहा है भाई ब्लूटूथ में, बोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं लेकिन नॉइस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो नॉइस को दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। स्कैन, नॉइस बड्स कनेक्ट अब आ चुका है, इसको भी पेयर कर लेते हैं और फाइनली नॉइस भी कनेक्ट हो चुका है। दोनों ही बड्स को हमने सेम डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो। अभी दोनों बड्स को मैं लेके जाता हूँ दूर, देखता हूँ और देखते हैं किसका पहले डिस्कनेक्ट होता है। भाई इतने दूर हम लोग गए थे, ऑलमोस्ट पार्क खत्म हो गया था, फिर भी दोनों में से कोई बर्ड्स डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। और दोनों ही बर्ड्स को जब आप ओपन करने वाले हो, देखो भाई, तो आप सिंपली दोनों का साइज कंपैरिजन देख सकते हो। बोट आपके कानों में कुछ ऐसा दिखने वाला है, इसका स्टेम थोड़ा सा लंबा है और नॉइस आपके कानों में कुछ ऐसा दिखेगा। नॉइस का साइज एक्चुअल में काफी ज्यादा स्मॉल सा है। अगर कंफर्ट के बारे में बात करें, दोनों ही बर्ड्स कंफर्टेबल तो फील हो रहा है। कॉलिंग क्वालिटी के बारे में बात करें ना, जितने भी लंबे स्टेम वाले ईयरबड्स होते हैं उनकी कॉलिंग क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपके मुंह से थोड़ा सा पास रहता है तो आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाता है। और अगर फिटिंग के बारे में बात करें तो मुझे दोनों ही बर्ड्स की फिटिंग भी अच्छी लगी है। नॉइस की फिटिंग थोड़ी सी ज्यादा टाइट सी है, बोट की फिटिंग हल्की से ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। मतलब अगर लंबा यूज करना है आपको तो बोट ज्यादा लंबा चलने वाला है, लेकिन अगर आप ऐसे इंटैक्ट फिटिंग के बारे में बात करोगे तो नॉइस की फिट थोड़ी ज्यादा इंटैक्ट फील हो रही है। बट दोनों की फिटिंग आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि दोनों ही बर्ड्स में आपको सिलिकॉन टिप्स का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके एयर में अच्छा वैक्यूम क्रिएट होता है। और दोनों ही बर्ड्स में ईएनसी का भी सपोर्ट है, मतलब जो एनवायरमेंट की नॉइस होती है उसको कैंसिल कर देता है। पहले ट्राई करते हैं नॉइस को, क्योंकि दोनों बर्ड्स मैंने कानें पहन लिया, शांत रहता हूं थोड़ा सा। भाई मुझे रोड के ट्रैफिक की आवाज तो आ रही है, वहां पे लोग बात बात कर रहे हैं उसकी आवाज आ रही है मुझे। और अगर मैं इसको उतारता हूँ, हाँ भाई अब नॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, हल्का सा यहाँ पे साउंड लीकेज भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल साउंड की क्वालिटी अच्छी आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से बेस थोड़ा और क्लैरिटी दे सकता है यहाँ पे, मतलब फुल वॉल्यूम पे हल्का सा डिस्टॉर्शन तो आ रहा है। अब है बारी बोट एयरडोप्स 170 की, बस सबसे पहले तो इसको पहन लेते हैं। पहनते ऐसे कुड़ुक से आवाज आती है, मतलब कनेक्ट हो चुका है, गाना प्ले हो चुका है भाई साहब। बोट पे भी मैं आपको सेम गाना सुन रहा हूँ और डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसका बेस मच बेटर है भाई, एयर ड्रम्स पे फील हो रहा है, बहुत ज्यादा हेवी है और इसकी वॉल्यूम भी काफी ज्यादा आई है, तो वॉल्यूम की लाउडनेस भी काफी ज्यादा है और इसके अंदर का सिग्नेचर साउंड मिल रहा है। भाई मैंने वॉल्यूम पॉज किया, उन्हें से शांत सी लग रही है, मतलब इसके अंदर इनेक्स टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं बोट वाले, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के नॉइज को भी कैंसिल करता है। हाँ भाई कैंसिल तो कर रहा है डेफिनेटली, भाई मैं तो वन वर्ड आपको आंसर दूं, बोट का साउंड क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। अभिनय भाई को सुनाते हैं, ये लो भाई बर्ड्स। बेस तो खतरनाक ही है इसका, मेरे को लगा लगा इधर तेज बेस होगा इसका, बट है भाई कैसा लग रहा है, आवाज कम आ रही है इनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। साउंड की क्वालिटी और बेस की क्वालिटी में बोट ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, फॉर द प्राइस पॉइंट तो एकदम तगड़ा बेस है। और फुल वॉल्यूम पे स्लाइटली डिस्टॉर्शन होता है, बोट में वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि फुल वॉल्यूम पे हल्का सा डिस्टॉर्शन होता है, तो अगर आप 80% पे सॉन्ग भी सुन रहे हो तो भी वॉल्यूम काफी अच्छा रहता है। दोनों ही बर्ड्स काफी ज्यादा तगड़े और कॉम्पिटेटिव है, लेकिन एक चीज है वो है बीस्ट मोड, गेम खेलते हुए कम लेटेंसी की जरूरत पड़ती है और ये वाला फीचर सिर्फ और सिर्फ बोट के अंदर
लेटेंसी मिल रहा है आपको। 20 मोड की हेल्प से आपको बोट एयरडोप्स 170 में 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है। वैसे जो लो लेटेंसी वाले मोड्स होते हैं ये एयरबड्स में होने चाहिए, सिर्फ गेम खेलने में काम नहीं आता है। जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते हो, तो कभी कभी आपको वीडियो में भी लेटेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आप 20 मोड ऑन करके वीडियो पे देखोगे ना तो वीडियो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी तो गेम खेल लेते हैं। गेमिंग स्टार्ट कर दी हम लोग ने। अगर मैं चाहूँ तो टीम मेट से बहुत ही आराम से बात हो जाएगी क्योंकि इसका माइक बहुत अच्छा है, इंडोर में बहुत अच्छा काम करता है। वॉल्यूम भी फुल कर देता हूँ मैं। अच्छी बात है कि बर्ड्स के अंदर साउंड सपरेशन बहुत ही अच्छा है ना, फुट स्टेप बहुत ही अच्छा आ रहा है और जिस तरह फ्लाई हो रही है उसका पता चल रहा है। देखो यहाँ पढ़ाई हो रही है ना, साइड में यहाँ बंदा देखो। आई टोल्ड यू ना, ओ भाई सही है, आवाज आ रही है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। गेम परफॉर्मेंस तो एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है खेलने में। ओ भाई ये बंदे क्या तगड़े हैं। ओ भाई निकलने मत दो तुम घर से। इतना गेम एक्सपीरियंस तो काफी है ये बताने के लिए कि इस बर्ड्स पे आप आराम से गेम भी खेल सकते हो। बोर्ड के बर्ड्स को रख देते हैं केस में और नॉइस का बर्ड्स लगा लेते हैं। भाई बर्ड्स कनेक्ट करते समय आ गए कि भाई बेस में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। भाई यहाँ पे बंदे घुस गए, एक मैच और खेलना पड़ेगा। रोचो समझ में आ रहा है, बेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके अंदर थोड़ा सा तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, नॉइस के अंदर काफी ज्यादा लेटेंसी भी आ रही है और इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बोट एयरडॉप्स 170 मिल रहा है। तो हाँ भाई गेमिंग के लिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बोट के साथ जाओ। और बैटरी की बात करते हैं, दोनों ही बर्ड्स के अंदर 50 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी और एक टोटल बैटरी लाइफ है। अब देखो भाई बजट एयरबर्ड्स के हिसाब से बैटरी तो अच्छी मिल रही है लेकिन फास्ट चार्जिंग का क्या? बोट एयरडॉप्स को 10 मिनट चार्ज करोगे ये चल जाएगा 180 मिनट मतलब 3 घंटा। नॉइस को 10 मिनट चार्ज करोगे ये चलेगा 120 मिनट मतलब 2 घंटा। डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग आपको ज्यादा अच्छी बोट के अंदर मिल रही है। इसके अंदर ASAP चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जो कि बोट अपने सारे प्रोडक्ट्स में यूज करता है और मैंने यूज किया है, एक्चुअली सही काम करता है। नॉइस में भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी वैसे लेकिन कम है इसके अंदर। तो अगर कंक्लूड करते हैं दोनों ही एयरबड्स को, प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छे बड्स हैं लेकिन इस कंपैरिजन का विनर अपना बोट एयरडॉप्स 170 है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम लोग और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर देंगे, वहां से क्लिक कर खरीद लेना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।